Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome to my channel Tutorial.2K16. नहीं, it's not Tutorial.2K16. हमने finally अपना नाम चेंज कर दिया है, जो कि है टेक्निकल सुनेजा. सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे सेशन के साथ खेल सकते हो. अब क्या मतलब है खेलने का, मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे अपने चैनल पे. सो गाइज, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से, मैंने बहुत बार बताया आपको लॉगिन कैसे करते हैं, वो चीज़ें तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगी, बट आज हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आपने बहुत बार वेबसाइट्स में देखा होगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, इसको लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं. लॉगिन हो गया, मेरा नाम आ गया यहाँ पे और लॉग आउट भी आ रहा है. अगर मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करूँ और एक नए टैब पे अगर ओपन करूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, लॉग आउट कर लिया, वापस चलते हैं यहाँ पे और थोड़ा वेट करते हैं. देखिए, आपने यहाँ से लॉग आउट किया और यहाँ पे 10 सेकेंड बाद या जो आप टाइम लगाना चाहेंगे अपने कोड में, यहाँ पे क्या आ गया, सेशन एक्सपायर लॉगिन अगेन. आपने बहुत बार देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स में इस तरीके की चीज़ें. अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करें, ठीक है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइज, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से. तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करूँ कुछ काम नहीं करेगा, आपको लॉगिन यहाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो कैसे इस फंक्शनैलिटी को अचीव करें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है. सीखने वाला क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ एक बार. रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को. पहले तो हम क्या सीखेंगे, नॉर्मल लॉगिन स्क्रिप्ट कैसे लॉगिन कराया जाए, लॉग आउट कैसे किया जाए, और फिर वो टाइमर वाला पार्ट कि 10 सेकंड के बाद वो अगर सेशन एक्सपायर है तो आपको एक पॉपअप दे दे, ठीक है. ये नॉर्मल ऊपर ऊपर से हो गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. अब इसे कैसे कोड करें वो हमें समझना है, ठीक है. तो चलिए समझते हैं इसको. तो हमारे पास कुछ फाइल्स हैं गाइज, login.php है, check_login.php है, index.php है, check_session.php और लॉग आउट है. ये फाइल्स हैं जो हमें समझनी है आज अच्छे से. और साथ ही साथ हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस का नाम है वो है टेस्टिंग, और जो टेबल का नाम है वो है tbl_login. तो इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको. आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ठीक है. सो मैंने कुछ डमी डेटा यहाँ पर डाल लिया है, अपना नाम डाल लिया है, ईमेल डाल लिया और पासवर्ड डाल लिया है, दैट्स इट, ठीक है. आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको. डेटाबेस का नाम टेस्टिंग है और tbl_login टेबल का नाम है. तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको सोर्स कोड सेंड कर दूंगा. पर उससे पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो चलते हैं गाइस, सबसे पहले जो फर्स्ट फाइल है उस पर चलते हैं, जो कि है login.php. तो login.php पे चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ओपन है यहाँ पे. तो सबसे पहले एक कंडीशन लिखिए स्टार्टिंग में ही. देखिए सेशन के साथ क्या है, सेशन होता क्या है. देखिए हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं, जिनकी कोई भी स्टेट नहीं होती. उनके बीच में स्टेट को मेंटेन करने के लिए व्यूज सेशन, ताकि आप हर एक पेज पे एक्सेसिबल रहो, कनेक्टिविटी बनी रहे. ये तो हो गया एकदम आम भाषा में. तो स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेशन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको किसी पेज में सेशन यूज़ करना हो तो क्या करोगे आप, session_start, और यहाँ पर कंडीशन लगाइए इस सेट, अगर सेशन है तो वो index.php पर जाएगा, ठीक है. ये कंडीशन है, अगर उसको सेशन मिलता है तो वो क्या होगा, index.php पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. मतलब कि अभी हम कहाँ पे हैं, login.php पे, अभी सेशन नहीं बना है. तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा और एक वेरिएबल की वैल्यू को सेशन में स्टोर करूँगा, और अगर उसको सेशन मिल जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा index.php पे. मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके बाद गाइज, यहाँ पे सिंपल एक टाइटल है जैसा कि आप देख रहे हो, पेज टाइटल, और हमने नॉर्मल jQuery को इंक्लूड करवाया है और बूटस्ट्रैप की CSS को इंक्लूड करवाया है, और साथ ही साथ हमने बूटस्ट्रैप की JS को इंक्लूड करवाया है. तो बूटस्ट्रैप की JS को हमने क्यों इंक्लूड करवाया है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है. तो उसके बाद नॉर्मल ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स की CSS लिखी हुई है यहाँ पे, विड्थ इतनी रहे, कलर ये रहे, मार्जिन, पैडिंग, नॉर्मल CSS है. और उसके बाद गाइज, ये आप हेडिंग देख रहे हो, ये वो हेडिंग है H1, ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म है, उसमें मेथड है पोस्ट, आईडी दे रखी है फॉर्म की, ईमेल है, पासवर्ड है और सबमिट बटन है, और नॉर्मल प्लेस होल्डर है. काफ़ी बार बता चुका हूँ सिंपल फॉर्म है, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर.
और नॉर्मल वैलिडेशन के लिए क्या यूज़ किया है, एचटीएमएल 5 की रिक्वायर्ड फील्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमें क्या सीखना है यहाँ पे, जैसे ही आप इस पे ईमेल डालो, डाल लेते हैं और पासवर्ड डालो और लॉगिन करो तो लॉगिन हो जाए। तो चलते हैं गाइज यहाँ पे जेक्वेरी, आप और सीखोगे यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो पता है मेरा जो बटन है वो है, उसकी आईडी क्या है, सबमिट। तो हमने क्या किया, हमारे फॉर्म की आईडी क्या है, हमारे फॉर्म की जो आईडी है वो है लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म। हमने अपनी फॉर्म की आईडी को यहाँ पे लिया ऑन सबमिट। अब इसका मतलब क्या है कि हम अपने फॉर्म पे जो बटन है उस पर क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। और उसके बाद अजेक्स कॉल कर रहे हैं, तो कहाँ भेज रहे हैं, चेक अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पीएचपी। और मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट। डेटा क्या भेज रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप सिंगल सिंगल डेटा ही भेज सकते हो, ईमेल, पासवर्ड, कोमा कोमा करके, मैं पहले बता चुका हूँ। बट आप चाहते हो नहीं, फॉर्म के अंदर जितनी भी इनपुट फील्ड हो या फिर ड्रॉप डाउन हो, रेडियो बटन हो, चेकबॉक्स हो, उन सबकी वैल्यू चली जाए एक बार में ही, तो क्या यूज़ करते हैं, डॉलर दिस सीरियलाइज। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यूज होंगी उनको एक साथ भेज देगा। तो मतलब कि जो ईमेल और पासवर्ड है वो आपकी एज अ डेटा चेक अंडरस्कोर लॉगिन में चली जाएंगी, ठीक है। अब वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो सक्सेस में आएगा और इस डेटा के अंदर आएगा। तो पहले चलते हैं चेक अंडरस्कोर लॉगिन के अंदर और देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो गाइस चेक अंडरस्कोर लॉगिन में आते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल ईमेल को रिसीव किया और यहाँ पे नॉर्मल पीडीओ यूज़ किया है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कल को अगर आपको डेटाबेस स्विच करना है, आपको अपना MySQL से Oracle में शिफ्ट करना है, तो आपको पूरा के पूरा MySQL के फंक्शन हटाने पड़ेंगे। बट पीडीओ में खास बात यह है कि जो भी आपको डेटाबेस यूज़ करना हो, डजेंट मैटर, आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे डेटाबेस नेम चेंज करना है। मतलब जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है, दैट्स इट। होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है, डीबी नेम टेस्टिंग है, यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए खाली छोड़ दिया। तो ये लाइन क्या कर रही है, आपको एक कनेक्शन बना के दे देगी और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कनेक्ट। तो इस कनेक्ट में कुछ फंक्शंस बुलाऊंगा, डेटा को रिट्रीव करूंगा और काफ़ी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे हमने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट क्यों लिखा है गाइस, क्योंकि हमें सेशन में वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक कस्टम क्वेरी क्रिएट की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल, जो आपकी ईमेल आई है, दैट्स इट। और इस क्वेरी को चलाना है मुझे, तो कनेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है पीडीओ का, उस पर एक फंक्शन कॉल किया प्रिपेयर और अपनी क्वेरी को यहाँ पे डाल दिया। और ये एक ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, इस पे फंक्शन कॉल किया एग्जीक्यूट, जो कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट पे एक फंक्शन बुलाया रो काउंट, तो जब ये क्वेरी चलेगी और जो भी डेटा आएगा, जितनी रोज आएंगी, तो ये रो काउंट क्या करता है, उन रोज को काउंट करेगा और स्टोर कर देगा टोटल अंडरस्कोर रोज में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है आउटपुट जो कि खाली है, इसका यूज अभी हमने नहीं किया है। और टोटल नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर देन जीरो होती है, तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे ही, जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने बनाया था, जिस पे आपने एग्जीक्यूट कॉल किया, फिर रो काउंट कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया फेच ऑल। तो जितना भी डेटा होगा वो सारा आ जाएगा एरे की फॉर्म में, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में, और रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या किया, फोर इज टूप लगाया है, तो जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी वो रो में चली जाएगी। और यहाँ पे क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड डाला है, जो आपने पासवर्ड यहाँ डाला है इस जगह पे, ये वो पासवर्ड है। तो कैसे रिट्रीव किया आपने, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जैसे कि आपने ईमेल को रिट्रीव किया था वो रिट्रीव किया। अगर वो मैच होता है आपके जो डेटाबेस में पासवर्ड पड़ा है उसके, मतलब कि जो रिजल्ट से रो में गया, तो ये क्या है आपका, कॉलम नेम है। कौन सा कॉलम नेम है, ये आपके डेटाबेस में जो कॉलम आपने क्रिएट किया है, आपकी की है एक तरीके से, ये देखिए। तो अगर मैच हो जाता है तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, क्या है फर्स्ट नेम मेरा, अजय, वो स्टोर करवा दो आप सेशन के अंदर। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम में हमने स्टोर करवा दिया। अब मैं इसे जहाँ जहाँ यूज़ करूँगा, जिस जिस पेज पे यूज़ करूँगा, और अगर सेशन है वहाँ पे, तो आपको वैल्यू नेम मिल जाएगा। अगर किसी वजह से पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, जो आपने अभी आउटपुट वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया है ना, उसमें हमने क्या किया, उस पर हमने एम्बेड कर दिया लेबल और क्लास दे दी टेक्स्ट डेंजर, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। और अगर किसी वजह से ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो आप क्वेरी बना रहे हो यहाँ पे ईमेल आईडी है ही नहीं, तो क्या होगा गाइस, हमने उसी आउटपुट के अंदर क्या दे दिया, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, दैट्स इट। और इको क्या करवा दिया, आउटपुट करवा दिया। तो ये आउटपुट कहाँ जाएगा गाइस, ये जाएगा आपके इस डेटा के पास। और अगर डेटा की वैल्यू खाली नहीं है तो क्या होगा, मतलब उसमें कोई वैल्यू पड़ी है, मतलब कोई वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कौन सी, या तो रॉन्ग पासवर्ड होगी या फिर रॉन्ग ईमेल एड्रेस होगा, तो वो यहाँ पे आपके एरर मैसेज में प्रिंट करवा देगा। और ये एरर मैसेज कहाँ पे है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, स्पैन दे रखा है यहाँ पे,
तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा वो एरर मैसेज, अदरवाइज गाइज वो चला जाएगा इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी पे चलते हैं अभी, और वहाँ क्या लेके जाएगा, वहाँ लेके जाएगा सेशन की वैल्यू को, और सेशन की वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करवा रखी है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम। तो चलते हैं गाइज इंडेक्स डॉट पी एच पी में, तो चलते हैं लॉगिन कर लेते हैं हम एक बार, लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन हम कर चुके हैं गाइस। तो इतना कोड हमने सीख लिया है, अब हमें क्या सीखना है, इंडेक्स डॉट पी एच पी में ऐसा क्या लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सेशन बन चुका है, ठीक है। अब सेशन यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और दोबारा यहाँ पर ओपन करूँ तो सेशन आपको बना हुआ मिलेगा, क्योंकि एक्सपायर वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में क्या लिखा हुआ है ऐसा। तो गाइज इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर सिमिलर जैसे कि हमने लॉगिन डॉट पी एच पी में देखा था, वहाँ पे जेक्वेरी को, बूटस्ट्रैप की सी एस एस को और जी एस को इंक्लूड करवा रखा था, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल बॉक्स दे रखा है एक, जिसकी यहाँ पे विड्थ दे रखी है, कलर दे रखा है, मार्जिन दे रखा है, पैडिंग दे रखा है, ये क्यों दे रखा है इसके बारे में बात करते हैं अभी। और यहाँ पे सिंपल सेशन को स्टार्ट कर रखा है, और वैल्यू अगर आ रही है तो क्या प्रिंट होगा, एक हेडिंग प्रिंट होगी, एक उसका नाम प्रिंट होगा। देख सो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और यहाँ पे अगर वैल्यू आ रही है सेशन की तो क्या प्रिंट करवाया है हमने, एक हेडिंग प्रिंट कराई है, सेशन की वैल्यू प्रिंट करवाई है, और एक लॉगआउट प्रिंट करवाया है, मतलब कि एक एंकर टैग बनाया है, उस पर हमने क्या दिया है एच आर ई एफ लॉगआउट डॉट पी एच पी और सिंपल लॉगआउट। और अगर सेशन की वैल्यू नहीं आ रही है तो क्या होगा, लॉगिन डॉट पी एच पी वापस चला जाएगा। तो अभी तो देखिए आप सेशन की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हेडिंग भी आ रही है, सेशन की वैल्यू भी आ रही है और लॉगआउट भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये जो आप कोड देख रहे हो गाइस, ये है वो पॉपअप जो अभी आपने, मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो ये एक मॉडल क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, कैसे पॉपअप बनाते हैं, अगर आपको सीखना हो बूटस्ट्रैप गाइस, अगर आपको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी बूटस्ट्रैप का, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइए, यहाँ पर आपको 5 to 6 वीडियोज़ दिखेंगी बूटस्ट्रैप की, जिसे सीख के आप अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे सीएसएस का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जिसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं, और किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, ताकि वो मोबाइल में, टैबलेट पे या फिर वेब पे इजीली ओपन हो पाए और यूज़र फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे 6 वीडियोज़ हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं देख के इसको। तो यहाँ पे यूज़ किए मॉडल क्लास, और मॉडल उसका हेडर क्या होगा, हेडर में क्या दिखे, बॉडी में क्या दिखे, डेट सेट। वैसे मॉडल फुटर भी होता है, अगर आपको फुटर भी दिखाना है तो, ठीक है। सो मैंने दिखा दिया मॉडल टाइटल क्या होना चाहिए, पॉपअप का टाइटल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मॉडल की बॉडी में क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, डेट सेट, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग गाइस, आप देखिए ध्यान से, तो ये तो आई थिंक आपको क्लियर है, अगर सेशन की वैल्यू आ रही है तो ये दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर लॉगआउट पर क्लिक करता हूँ, या फिर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, ऑलरेडी कॉपी है वैसे, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ से लॉगआउट करता हूँ, अब मैं आपको वो लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि 10 सेकंड के बाद वो कैसे पॉपअप आ रहा है अपने आप। तो यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं, कर लिया लॉग आउट, यहाँ पे चलते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं। देखिए आ गया पॉपअप, अब ये 10 सेकंड के बाद कैसे आया मैं आपको ये लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी पेज पे इंडेक्स डॉट पी एच पी पे हमने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, इज अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर एक्सपायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है नो। बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, नो। और यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा चेक अंडरस्कोर सेशन, जो कि ये चेक करेगा सेशन बना है या नहीं बना है, और उसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो डॉलर अंडरस्कोर अजेक्स चेक अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर पीएचपी पे जाएगा, और यहाँ पे देखेगा अगर नेम की वैल्यू है तो इको कर देगा 0, वरना इको कर देगा 1 कर। तो हमने एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर रखी है जो हमें ये बता रही है कि सेशन बना है तो 0 रिटर्न करो, वरना 1 रिटर्न करो। तो फॉर एग्जाम्पल सेशन नहीं बना है, अब देखिए ये पॉपअप कैसे आया, ये तब आएगा जब सेशन नहीं बना होगा। तो क्या रिटर्न हुआ इसका मतलब, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, तो 1 रिटर्न हुआ, तो देखते हैं पोस्ट हुआ, डेटा में क्या आया, 1 आया, डेटा इक्वल टू 1 इक्वल हो गया, और क्या हो गया, लॉगिन मॉडल यहाँ पे हमने शो करवा दिया। और लॉगिन मॉडल क्या है गाइज, ये आईडी है। अब ये आईडी कहाँ है, ये देखिए ये आईडी, ये पूरा के पूरा डिव आपको शो हो जाएगा पॉपअप की फॉर्म में, क्योंकि आपने आईडी दे रखी है लॉगिन मॉडल, और यहाँ पर आपने मैप कर रखी है। अब यहाँ पे लिखा है हमने एक फंक्शन कॉल किया है डॉट मॉडल, क्यों कैसे कॉल कर दिया ये फंक्शन हमने, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की जेएस को इंक्लूड करवा रखा है, अगर आप इस जेएस को हटा दोगे तो ये नहीं चलेगा। और उसके अंदर क्या दिया, 2 बेसिक एट्रीब्यूट दिए हैं, स्टैटिक रहे और कीबोर्ड से कुछ भी ना हो, मतलब कि अगर मैं ये जो आपको दिख रहा है पॉपअप, मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करूँ तो ये मॉडल ना हटे, ये पॉपअप ना हटे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स कर रखा है। और साथ ही साथ हमने इज अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर एक्सपायर में क्या कर दिया, यस कर दिया, मतलब सेशन एक्सपायर हो चुका है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को सेट कर दी, यस कर दी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है गाइस।
अब मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ जो वो 10 सेकंड के बाद आता है उसका लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे सिंपल हमने लिख रखा है सेट इंटरवल, फंक्शन बनाया है एक, चेक सेशन करेगा जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये रहा फंक्शन जो कि चेक करेगा सेशन बनाया नहीं बना, और इस सेशन अंडरस्कोर एक्सपायर अगर येस होता है तो क्या करेगा, 10 सेकंड के बाद आपको पॉपअप दे देगा जो कि आपको देखने को ही मिल रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये चीज़ चल रही है और ये चीज़ चलने के बाद फिर ये चीज़ बिहेव कर रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दी वो चीज़। कहने का मतलब ये है कि जो आपका चेक अंडरस्कोर सेशन है कहीं से कॉल तो होगा ना, तो ये पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ कॉल नहीं हो रही, पहले क्या हो रहा है टाइम इंटरवल, सेट इंटरवल में आपने एक फंक्शन बनाया और जो भी उसका रिजल्ट होगा कहाँ स्टोर हो जाएगा, काउंट अंडरस्कोर इंटरवल में। पे आपने कॉल किया चेक अंडरस्कोर सेशन, तो ये आपको देगा सेशन बना है नहीं बना और वैल्यू देगा येस और नो। अगर येस होती है तो वो फिर 10,000 मतलब 10 सेकंड तक रहेगा और उसके बाद फिर आपको ये पॉपअप दे देगा, सिंपल। और उसके बाद गाइस सिंपल है, ये लॉगिन फॉर्म आ गया। अब ये जो आप देख रहे हो ईमेल पासवर्ड, इस पर क्लिक करोगे ये चीज़ वही है जो मैंने आपको बताई थी अभी लॉगिन के टाइम पे, सेम वही है, सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है। सो गाइस इंटरेस्टिंग, और लॉगआउट के कोड में कुछ नहीं है, सेशन स्टार्ट किया, डिस्ट्रॉय किया और वापस चले गए login.php में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोड आपको क्लियर होगा, अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी तो पता है कहाँ होगी, वो आपको होगी यहाँ पे, इस जगह पे। मैं दोबारा बताता हूँ इसको एक बार, बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू सेट कर रखी है इज अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर एक्सपायर, ठीक है, नो है, चेक अंडरस्कोर सेशन कॉल नहीं होगा। पहले हम यहाँ जाएंगे, टाइम देखेंगे, अगर लॉगआउट हो चुका है तो टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, अगर येस होती है वैल्यू तो 10 सेकंड तक वेट करेगा, और इस चेक अंडरस्कोर सेशन जो आप देख रहे हो ये कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमें येस और नो दे देगा और 0 और 1 भी दे देगा, और उसके हिसाब से फिर वो आपको पॉपअप दे देगा, और पॉपअप कब देगा, 1 के केस में देगा। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से लॉजिक बिल्ड किया हुआ है इस कोड का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा गाइस तो आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर सेंड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर 15K सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और वन मोर थिंग, एक और इसके बाद वीडियो आने वाला है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है 15K स्पेशल, तो काफ़ी कुछ है उस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।